Welcome to a very important chapter of class 9, which is going to be extremely useful for class 10 as well, that is circles. So let's get started. The first thing that we need to do is define what exactly is a circle. Now, a circle is defined as a set or locus of all the points that are at a fixed distance from a fixed point. ये जो fixed point है, इसको हम कहते हैं center of the circle. और ये जो fixed distance की हम बात कर रहे हैं, that is nothing but your radius, right? So ये मान लो अगर r है, distance r है, तो इस point O से जितने भी point होंगे at a distance of r, उन सब के set को circle कहा जाता है. ठीक है, this is the most symmetric object on earth, right? Most symmetric geometric figure on earth. ठीक है, तो सर्कल इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज योर सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो अपने काम के हैं. रेडियस, राइट, रेडियस इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर विद एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट, दैट विल गिव यू अ रेडियस. नाउ डायमीटर इज नथिंग बट twice of your radius, right? It's a chord basically, right? Chord क्या होता है, उसके ऊपर भी हम आते हैं. ठीक है, it is the longest chord, right? आपका जो diameter है, it is the longest chord. It will pass through the center and diameter का जो value है, that will become twice the radius. ठीक है, next thing, circumference. Now, circumference जो है, right, एक circle का, that is given by 2 pi r. And ये जो 2 r है, that is nothing but d. So, you can also say that the circumference is pi into d. एंड लास्टली एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट. ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हो, सो आई विल नॉट गेट इन टू डिटेल्स के ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, राइट. यू नो रेक्टेंगल बना सकते हैं जहां पे पाई आर और आर आपके दो साइड हो जाएंगे. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कल, इट विल डिवाइड अ प्लेन इन टू थ्री रीजन्स. एक जो आपका बाउंड्री है, राइट, दैट इज योर सर्कल इटसेल्फ. उसके जो भी बाहर है, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. और जो भी सर्कल के अंदर है, that is interior of a circle. ठीक है, अच्छा, अब when I take a circle, right, तो let's say for example, मान लो मैं circle बनाता हूँ. ठीक है, अब ये मान लो point P है और ये मान लो point Q है, and we need to go from point P to point Q following the trajectory of the circle only, right, और कोई रास्ता नहीं ले सकते हैं. ये जो आपका curved path है, यही path follow करना है आपको to go from P to Q. Now there are two ways in which you can go from P to Q. एक तरीका तो ये है कि भाई आप ये जो छोटा वाला रास्ता है, ठीक है, P से Q जाने का, वो ले लो. अब ये जो आपका आर्क बनेगा, this is called minor arc, right? इसको बोलेंगे minor arc PQ. ठीक है, minor arc PQ. ठीक है, और जो आप लंबा रास्ता लेते अगर, right, P से Q जाने के लिए, मान लो ये वाला रास्ता अगर आपने लिया होता P से Q जाने के लिए, इसको कहते हैं major आर्क पी क्यू. ठीक है, तो सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लोगे आप, तो हमेशा एक माइनर आर्क बनेगा, एक मेजर आर्क बनेगा, अनलेस आपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लिए. इन दैट केस यू विल गेट अ सेमी सर्कल एंड नॉट एन आर्क. ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंट के ऊपर आते हैं, राइट. वॉट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज बेसिकली जो आपके दो पॉइंट है पी और क्यू, उसको आप कनेक्ट कर दो वाया स्ट्रेट लाइन. The area, right, that is bounded by this line segment with the curved path, right, that area is nothing but your segment. और अगर आप minor arc के साथ ले रहे हो, तो जो आपका segment बनेगा, that is called minor segment. This would be minor segment. और अगर आप major arc के साथ वो area लेते हो, so that is called major segment, right. Same चीज आती है, एक और similar concept, that is sector. सेक्टर भी आपके दो बनेंगे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर. सेक्टर में आप क्या करते हो, दो पॉइंट है आपके, उनको आप सेंटर से कनेक्ट कर दो, राइट. एक पिज्जा का स्लाइस आपको अगर ध्यान में हो तो, ठीक है, तो आपने पी और क्यू को, दोनों को सेंटर से कनेक्ट कर दिया. इन दैट केस, राइट, ये जो आपका पूरा एरिया आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर, एंड दिस विल बी माइनर सेक्टर. और ये जो ऊपर आएगा, दैट विल बी मेजर सेक्टर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखते हैं. नाउ As you can see, ये मान लो लाइन L है, तो ये जो लाइन L है, ये पूरे सर्कल को ना एक पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है, राइट. इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. ऐसे लाइन को कहा जाता है
tangent to a circle, right? So tangent is nothing but a line that touches the circle at only one point. And ये जो लाइन आपको दिखेगी, राइट, लेट से ये लाइन आपका एम ले लू मैं अगर, ठीक है, ये मान लो इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो लाइन है ये सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट. लेट से ये है पॉइंट पी वन और ये है पॉइंट पी टू. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड, ठीक है, उसका नाम है सेकंड. ये टैन सेक, राइट, यू विल लर्न दिस इन क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री जब हम सीखेंगे तब, ठीक है. अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. कॉर्ड की बात करें हम, कॉर्ड इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट, राइट, एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट आपके एंड पॉइंट्स हैं, दे विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. सो इन दिस केस मान लो ये कॉर्ड ए बी ले लू मैं, ठीक है. सो द लाइन सेगमेंट ए बी इज नथिंग बट अ कॉर्ड. एंड डायमीटर क्या होगा आपका, डायमीटर विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट. सो लेट्स से दिस इज सी डी. जितना आप सेंटर के करीब जाओगे ना, उतना आपका कॉर्ड का लेंथ बढ़ते जाता है, राइट. आप देख सकते हो कि जितना आप सेंटर के करीब जाओगे उतना आपका कॉर्ड का लेंथ बढ़ते जाएगा, और अगर आप सेंटर से ही पास कर रहे हो तो आपका जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है दैट विल बी द हाईएस्ट, ठीक है. मूविंग ऑन, अच्छा इस शेप के बारे में बात कर लेते हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका एक सर्कल था और आपने सर्कल को ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर. दिस शेप इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. अब एरिया तो बड़ा आसान है सेमी सर्कल का, राइट. मान लो ये अगर आपका रेडियस आर था अगर, सो सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा इसका एरिया. बट सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो उस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सर्कल का जो सर्कमफेरेंस था उसको आधा कर दो, ठीक है, बिकॉज सर्कल के अंदर ये लाइन सेगमेंट थोड़ी था जो एक्स्ट्रा आपने क्रिएट कर दिया. सो टू पाई आर का आधा कर दोगे आप पाई आर, राइट, यहां तक बात सही है. बट ये पाई आर क्या देगा आपको, ये आपको ये कर्व्ड पाथ देगा, राइट. दिस विल ओनली गिव यू द कर्व्ड पाथ. अगर आपको पूरे पेरीमीटर की बात करनी है, पूरा सर्कमफेरेंस गिनना है, तो आपको इसके अंदर ट्वाइस ऑफ आर भी ऐड करना पड़ेगा. सो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज गिवन बाय पाई आर, दैट इज द कर्व्ड पाथ, प्लस ट्वाइस द रेडियस, राइट, दैट विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ योर सेमी सर्कल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा सवाल. यहां पे बोला हुआ है डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ हॉर्स कार्ट इज वन मीटर, राइट. एक मीटर का अपना डायमीटर है, सो दैट मींस रेडियस जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1/2 मीटर, राइट, हाफ हो जाएगा. इफ द व्हील कंप्लीट्स 200 रिवॉल्यूशंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हॉर्स कार्ट, ठीक है. अब जैसे देखो आप, ये मान लो आपका व्हील है, अब पूरा एक रोटेशन अगर आप देखते हो, राइट, तो ध्यान से देखो कि अल्टीमेटली आप डिस्टेंस कितना कवर करोगे, राइट. एक रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो, जो पॉइंट आपका था, राइट, एक रोटेशन बाद वो पॉइंट उधर ही आ गया है, राइट. तो अल्टीमेटली आपने किया क्या है, एक पूरा सर्कमफेरेंस कवर किया है. सो इन वन रोटेशन द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 2πr. दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 200 सच रोटेशंस, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 2πr, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. So that will give you 2πr into 200. इसको सॉल्व करेंगे, so you will get 2 into pi को ले लो 3.14, r था आपका 1/2 into number of revolution है 200, ये 2 और 2 कट हो गया, ठीक है. So this will become 314 into 2, right? 314 into 2 is basically 628 meters, ठीक है. So distance covered in this case will be 622 meters. आगे बढ़ते हैं. Now let's come to some very important theorems. First theorem states that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. तो ये आपके दो कॉर्ड है, मान लो कॉर्ड ए बी ले लिया, ठीक है, और दूसरा मान लो हमने कॉर्ड सी डी ले लिया, एंड इन दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है, राइट, वो आपको बोला इक्वल है, ठीक है, दोनों का लेंथ इक्वल है. सो लेट से आपका सेंटर ओ था, सो इफ आई मेक दिस ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल ए ओ बी बनाया, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, राइट, ट्राइंगल सी ओ डी लिया मैंने मान लो, ठीक है. सो दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. सो इसके अंदर, राइट, ए ओ आपका रेडियस है, ओ बी भी आपका रेडियस है, ओ सी भी आपका रेडियस है, और ओ डी भी आपका रेडियस है. रेडियस का डेफिनेशन देखा हमने, इट इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. सो दैट मीन्स ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी will be equal to OD, and ये आपको दिया हुआ था, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था कि AB
एंड सी डी आर द सेम, राइट, दोनों जो आपके कॉर्ड्स हैं उनका लेंथ सेम है, तो बाय एस 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 तीनों साइड आपके सेम हो गए, सो यू कैन से दैट, राइट, कि ये जो ट्राइंगल्स आएंगे दोनों ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं देन बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट इवन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. सो दैट मीन्स एंगल ए ओ बी जो आएगा आपका दैट विल बी सेम एज एंगल सी ओ डी. सो एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल विल बी सेम एज एंगल सी ओ डी. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कॉर्ड का लेंथ सेम है तो जो सेंटर पे जो दो एंगल बनाएंगे वो भी आपके सेम ही आएंगे, राइट, दीज टू एंगल्स विल बी द सेम ओनली. ठीक है, अगला जो थियरम है वो इसका कॉन्वर्स है. यहां पे वी आर सेइंग दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट, इसी का कॉन्वर्स. सो अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये एंगल सेम है, राइट, ये एंगल सेम है आपका, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि आपका जो कॉर्ड का लेंथ आएगा, राइट, वो भी सेम होगा. ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, राइट, दैट इज वॉट वी हैव टू प्रूव. ये भी बड़ा आसान है. ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है. ध्यान से देखो, बाय एस ए एस, ठीक है, बाय एस ए एस दो आपके साइड सेम आ रहे हैं और इंक्लूडेड एंगल सेम आ रहा है. तो साइड एंगल साइड से हमने फिर से ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए ओ, राइट, लेट्स से दिस इज सेंटर ओ, सो ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी. And if that is the case, then by CPCT, AB will be equal to CD. ठीक है, AB will be equal to CD. In other words, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो दो कॉर्ड्स हैं आपके उनका लेंथ जो है वो इक्वल ही आएगा, पक्की बात. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, और ये थियरम बहुत काम का है बिकॉज एग्जाम में, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट. तो आपका सेंटर ओ है, ओ से आपने परपेंडिकुलर मान लो ड्रॉप किया, राइट, सो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो ये जो पॉइंट एम आएगा, राइट, इट विल ऑल्सो, राइट, बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करेगा, मतलब हमें ये प्रूफ करना है. टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं, व्हाट डू वी हैव टू प्रूफ, वी नीड टू प्रूफ दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी. ठीक है, अगेन दिस शुड बी वेरी इजी टू प्रूफ. आप एक काम करो, ए ओ को कनेक्ट कर लो, दिस इज योर रेडियस. ठीक है, ए ओ इज रेडियस एंड आप ओ बी को कनेक्ट कर लीजिए, ओ बी इज ऑल्सो योर रेडियस. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम. सो इन दैट केस आपका, राइट, ए ओ जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओ बी एंड दैट इज नथिंग बट योर हाइपोटेनियस. ध्यान से देखो आप, राइट, तो वो आपका हाइपोटेनियस आ रहा है. अच्छा, फिर आपका ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एम, राइट, ये आपका साइड हो गया. अब राइट एंगल है, हाइपोटेनियस सेम है, एक साइड सेम है, सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आएंगे. वॉट डज दैट मीन, अगेन बाई सी पी सी टी आई कैन से दैट इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, सो ए एम विल बी इक्वल टू बी एम. ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ए एम विल बी इक्वल टू बी एम और एम बी. ठीक है, सो जब भी आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कॉर्ड पे तो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट भी करेगा. अगला जो थ्योरम है वो इसका कॉन्वर्स है. अब यहाँ पे हमने बोला है कि भाई लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, राइट, तो हम बाइसेक्ट कर रहे हैं. Then we need to prove that ये perpendicular होगा हमेशा, right? The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular, right? So हमें अब to prove क्या है यहाँ पे? हमें ये prove करना है, ठीक है? हमें ये prove करना है कि आपका angle OMA जो आएगा या OMB जो आएगा वो 90 degree होगा, right? हमें ये इसको perpendicular prove करना है. Again बहुत ही simple है. फिर से आप देखो, ये radius है, ये भी radius है. आपको ये दे दिया है कि आपके जो दोनों जो आपका M है, राइट, वो मिड पॉइंट है बिकॉज बाइसेक्ट कर रहा है. ये अपने को दे दिया है इस केस में कि बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब है AM और MB, राइट, आपके सेम आएंगे और OM विल बिकम योर कॉमन साइड. सो बाय SSS ये तीनों साइड आपके सेम आ रहे हैं. तो अगर तीनों साइड आपके सेम है दैट मीन्स ट्राइंगल OAM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM. Right? ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आएंगे. सो दैट मीन्स एंगल ओ एम ए
will be equal to angle OMB, ठीक है, OMB, right? यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने order, यहाँ पे triangle OBM होना चाहिए था ये, ठीक है, so triangle OMA will be equal to triangle OMB, so ये दोनों angle equal होंगे, so ये अगर ये alpha है, तो ये भी alpha होगा, and जैसा कि आप देख सकते हैं, right? These two angles will form a linear pair, right? ये इनका summation मिला के alpha plus alpha का summation 180 आना जरूरी है. That means twice of alpha is 180. तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है. तो सेंटर से आप अगर एक बाइसेक्टर ड्रॉप कर रहे हो, राइट, बाइसेक्ट कर रहे हो कॉर्ड को, तो पक्का परपेंडिकुलर भी होगा, और अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो पक्का बाइसेक्ट करेगा, वैसे वर्सा इज ट्रू, ठीक है. अब क्यों मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, बिकॉज एज यू कैन सी, राइट, इससे एग्जाम में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन. इन अ सर्कल अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर is twice as far from the center as a chord of length 10 cm. Find the circumference of the circle. In other words, find the radius of the circle, because radius मिल गया तो circumference मिल ही जाएगा. So I have a circle with me, ठीक है, ये मान लो मेरा center है, और जो chord है आपका 8 cm का, that is twice as far from the center compared to a chord of length 10 cm. जैसे मैंने पहले बताया, जितना आप सेंटर से दूर जाओगे उतना आपका कॉर्ड का लेंथ कम होते जाएगा. सो ये आपका ओ था, राइट, लेट्स से आपका कॉर्ड ए बी जो है, राइट, दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, और आपका कॉर्ड सी डी जो है, ठीक है, सी डी जो है, दैट इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, दोनों पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है. तो वॉट वी आर गिवन राइट नाउ इज कि इफ दिस डिस्टेंस, राइट, इज एक्स, right, then this entire distance will be twice of x, right, the chord of length 8 cm is twice as far, ठीक है. अच्छा, अब ये जो आपके point होंगे, right, मान लो ये point E ले लिया मैंने, और ये point F ले लिया, perpendicular है center से, तो ये bisect भी करेगा, पक्की बात. अब AB आपका पूरा जो था, right, that was 10, so इसका मतलब है EB जो है आपका वो 5 हो जाएगा, and this is your radius. So radius, right, r square in this case, Pythagoras theorem लगाएंगे, so r square will be equal to x square plus 5 square. Now, अब दूसरे triangle की बात करते हैं, triangle OFD. अब OFD की बात करूं, तो ये भी तो radius ही है, right, ये भी radius ही है आपका. अच्छा, CD पूरा आपका 8 था, तो FD जो आएगा, right, again bisect करेगा, तो FD आपका 4 हो गया, और OF जो है आपका वो twice of x है, right. So again, यहाँ पे Pythagoras theorem लगाएंगे, तो आपका hypotenuse है r square, that will be equal to 2x the whole square plus 4 का square. दोनों आपके radius ही है, तो आप इनको equate कर दीजिए, so you will get x square plus 25 is equal to 4x square plus 16. So thrice of x square will become equal to 9, so x square will be 3. तो x का जो स्क्वायर है वो 3 आ रहा है, उसको आप एक काम करो, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो था आपका r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उसमें रिप्लेस कर दो. सो x स्क्वायर आपका 3 आ गया, सो r स्क्वायर विल बिकम 3 प्लस 25, दैट इज 28. तो r का जो स्क्वायर है वो 28 आ रहा है, विच इज नथिंग बट 4 × 7, सो रेडियस विल बिकम 2√7, दैट विल बी योर आंसर, राइट. सो अगेन दिस प्रॉपर्टी combines very beautifully with Pythagoras theorem, and hence a lot of questions are possible based on this property, right. Let's see one more question. This is a slightly trickier one. यहाँ पे बोला है कि what is the distance between two parallel chords, दोनों chord आपके parallel हैं, of length 32 and 24 centimeter in a circle of radius 20 centimeter. ठीक है, तो आपके दो पैरेलल कॉर्ड है, ठीक है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, या क्या कहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही केस लेंगे काफी लोग, ठीक है. व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज दैट इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू केसेस. एक केस वो आएगा जहां पे आपके दोनों जो कॉर्ड है, राइट, एक 32 सेंटीमीटर है और दूसरा है आपका 24 सेंटीमीटर, दोनों एक ही साइड पे है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल. और दूसरा केस आएगा जहां पे एक कॉर्ड आपका एक साइड पे है और दूसरा जो कॉर्ड है आपका वो दूसरी साइड पे है. देयर विल बी टू आंसर्स, राइट, आपका एक आंसर नहीं आएगा इस सवाल में, दो आंसर आएंगे. अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है. सो
ये तो बड़ा आसान काम होगा कि हमें बोला गया है कि कॉर्ड का लेंथ एक है 32, सो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये हो गया 16, दूसरा बाइसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 12, एंड रेडियस आपको दे दिया है, रेडियस है 20, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, दैट इज 3 4 5। इस ट्रिपलेट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक और ट्रिपलेट ही मिलने वाला है, पक्की बात, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं इस ट्रिपलेट को मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा ट्रिपलेट? 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 16 और 20 भी पाइथागोरस थ्योरम पक्का सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, अगर ट्राइंगल लेट्स से ओ ए बी, सो एक साइड आपका हाइपोटेनियस 20 है, एक साइड आपका 16 है, तो ये जो है आपका वो 12 आएगा। सो ओ ए विल बी 12, ठीक है, ओ ए राइट ऊपर लिख लेता हूं मैं, ओ ए विल बी 12। सिमिलरली अब यहां पे देखो आप, ये जो आपका रेडियस है ये भी अगेन 20 रहेगा, ठीक है। अच्छा रेडियस आपका 20 है, एक साइड आपका मान लो ये जो सी और डी ले लेते हैं, सी डी आपका 12 है, राइट, तो हाइपोटेनियस 20 है, एक साइड 12 है, तो जो दूसरा साइड होगा वो पक्का 16 आएगा। सो दैट मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस है दैट विल बी 16। सो राइट अगेन ओ सी जो है आपका वो 16 आ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स, सो इज इन दैट केस ओ सी माइनस ओ ए विल बिकम 4, राइट। सो इस केस में आपका आंसर 4 आएगा, वेर एज दूसरे वाले केस में आपका आंसर 16 प्लस 12 होगा। अभी हमने किया 16 माइनस 12, दूसरे केस में 16 प्लस 12 होगा तो दूसरा आंसर आपका 28 आएगा। ये दोनों आंसर अगर आप एग्जाम में लिखोगे ना, 4 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। अगर आपने एक ही आंसर लिखा है तो ये मतलब वेरी फेयर चांस के ये जो सवाल आएगा, राइट, ये 3 4 मार्क के लिए आएगा, दे विल नॉट आस्क दिस फॉर 1 और 2 मार्क्स। इफ यू वॉन्ट टू स्कोर फुल मार्क्स यू हैव टू राइट बोथ द आंसर, राइट। सो इन दिस केस, सेकेंड वाले केस में क्या होता कि भाई ये आपका 16 है, ये आपका 20 है, तो ये 12 आएगा, एंड नेक्स्ट टाइम आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो ये आपका 12 आ रहा था, ये आपका 20 है, तो ये आपका 16 आएगा, तो 16 प्लस 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम में। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, जस्ट डाउनलोड द ऑर्फिक ऐप, उस पे आपको इस प्रॉपर्टी पे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ मच डेटा इज इनफ, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू हाउ मेनी लाइंस कैन वी ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट, राइट, अगर एक ही पॉइंट दिया है तो कितनी लाइन पास हो सकती है इस पॉइंट से, तो आंसर इज इनफाइनाइटली मेनी, राइट, आप चाहे उतनी लाइन पास कर सकते हो एक ही पॉइंट से। तो बट इफ आई गिव यू टू पॉइंट्स, राइट, मैंने आपको दो पॉइंट दे दिए और सेम सवाल पूछता हूं मैं, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू बोथ दिस पॉइंट्स, नाउ द आंसर इज यूनिक, राइट, अब आपका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। अच्छा अब दो पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ट्राइंगल कितने बना सकते हैं, राइट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन वी ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट्स, तो ये दो पॉइंट है, ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो अब आंसर है आपका इनफाइनाइटली मेनी, राइट, यू कैन मेक इनफाइनाइटली मेनी ट्राइंगल्स थ्रू टू पॉइंट्स। बट वॉट इफ आई गिव यू थ्री पॉइंट्स, राइट, अगर मैंने आपको तीन पॉइंट दिए तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, सो नाउ द आंसर इज क्लियरली वन, राइट, तीन अगर आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तीनों कोलिनियर होंगे तो कुछ भी ट्राइंगल नहीं बनने वाला, राइट, यू अंडरस्टैंड कि तीन पॉइंट अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन में ले लिए तो कहां से आपका ट्राइंगल बनने वाला है, राइट, नाउ ए बी सी को आप कनेक्ट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, बट अगर आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो पक्का आपको ट्राइंगल मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई सर्कल के लिए फिर कितने पॉइंट चाहिए, लाइन के लिए दो चाहिए हमने देख लिया, ट्राइंगल के लिए हमें तीन चाहिए, सर्कल के लिए कितना, काफी लोग को लगता है कि भाई दो तीन तो अगला आंसर 4 होना चाहिए, राइट, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज देखो तीन पॉइंट है तो इतना तो पता है ना कि भाई ट्राइंगल तो एक ही पास होगा पक्का। अब एक चीज आप याद रखो कि हर ट्राइंगल का ना एक सर्कल बनता है जिसको कहते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, जिसको कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल इज नथिंग बट अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस, ये जो सर्कम सर्कल है वो यूनिक होता है, फॉर एनी ट्राइंगल दिस सर्कम सर्कल इज यूनिक, यू कैन नॉट मेक एनी अदर सर्कम सर्कल। तो अगर आपके तीन पॉइंट है नॉन कोलिनियर तो एक ही सर्कल पास हो सकता है, पक्की बात, ठीक है। सो यही आपका अगला थियरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट।
पॉइंट, राइट। एक ही सर्कल पास होगा अगर आपको तीन पॉइंट दिए गए हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, राइट। आपने दो सेम सर्कल ले लिए, उसमें आपने इक्वल कॉर्ड रखे हैं, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स इन केस ऑफ मल्टीपल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, राइट। सो हम सेम सर्कल लेके प्रूफ कर देते हैं, एक ही बात होगी। तो ये मान लो आपका सेंटर है O, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है, ये आपको दे दिया है, राइट, कि ए बी इक्वल टू सी डी, दैट इज गिवन टू यू, ठीक है। ये आपके दोनों लेंथ जो है वो सेम है, हमें प्रूफ क्या करना है कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस कौन सा लेने का, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है और मान लो ये लाइन जा रही है, तो वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, राइट। बाकी वैसे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं, बट जब हम एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर दैट यू ड्रॉ। सो इन दिस केस, राइट, हमें प्रूफ क्या करना है बेसिकली कि अगर ए बी का मिड पॉइंट, राइट, मान लो एम है और सी डी का मिड पॉइंट मान लो एन है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम जो आएगा, राइट, दैट विल बी इक्वल टू ओ एन, ठीक है। दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूफ, राइट। अगेन ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं, ये अपने को पता है, सो दिस इज 90 डिग्री एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, लेट्स फॉर्म दिस ट्राइंगल, ये आपका रेडियस है, राइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये जो कॉर्ड है दोनों, राइट, इनका जो लेंथ है वो इक्वल आएगा। तो अब आपने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया है, ठीक है, तो वो बाइसेक्ट भी करेगा, ये भी तो हम देख चुके हैं, राइट, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्योरम आपका जो 10.3 था कि इफ यू ड्रॉप, राइट, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी था, सो हाफ ऑफ ए बी जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, राइट, वो आधा भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब है एम बी, राइट, एंड सी एन, ये वाले जो आपके पार्ट है वो भी इक्वली आएंगे पक्का, ठीक है। अगेन फिर से वही बात, आपका हाइपोटेनियस सेम है, दैट इज रेडियस, आपका एक साइड सेम है, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल है आपका, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, सो बाय आरएचएस यू कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो बाय आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आई कैन से दैट ट्राइंगल ओ एम बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो अगेन बाय सीपीसीटी आई कैन से दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि दे विल बी, इफ द टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्वर्स, यहां पे हम बोल रहे हैं कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, राइट। तो अगर आपके कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है, सो मान लो अगर ये आपका डिस्टेंस एक्स है और फिर हम बोल रहे हैं कि भाई ये भी x ही है, राइट, दोनों आपके जो डिस्टेंस है वो x है, दे आर इक्विडिस्टेंट, एंड ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो आपका है, राइट, ये रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, ठीक है, तो आपका हाइपोटेनियस सेम है, आपकी एक साइड सेम दे दी है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, तो फिर से हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आएंगे, सो दैट मीन्स एल क्यू विल बी इक्वल टू एस एम, ठीक है, एल क्यू विल बी इक्वल टू एस एम। Now, LQ will be nothing but half of PQ, ठीक है? So, if LQ is equal to SM, then twice of LQ is also same as twice of SM, and twice of LQ is nothing but PQ, and twice of SM is nothing but SR. So, we have proved that chords equidistant from the center are equal in length. ये दोनों जो chord आएंगे आपके PQ और RS, उनका length same आएगा, पक्की बात, right? आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, next question, right? Question से पहले concept देख लेते हैं। Now, यहां पे वी आर गिवन दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड कॉन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आपका माइनर आर्क ए बी इज सेम एज माइनर आर्क सी डी, ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस वॉट वी कैन से इज कि भाई जो कॉर्ड ए बी आएगा वो भी सेम होगा, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी सेम है तो
तो जो माइनर आर्क का लेंथ है, इनफैक्ट मेजर आर्क का लेंथ भी, करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क भी सेम ही होंगे आपके, ठीक है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी आपका जो आर्क का जो लेंथ होता है ना, राइट, माइनर आर्क या मेजर आर्क या फॉर दैट मैटर इवन कॉर्ड, राइट, वो डिपेंड करता है कि भाई आपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया। आप सेंटर पे जितना बड़ा एंगल बनाओगे, राइट, उतना बड़ा आपका कॉर्ड होते जाएगा, ठीक है, और उतना बड़ा आपका माइनर आर्क होते जाएगा, और जितना आप छोटा एंगल बनाओगे आपका माइनर आर्क उतना ही छोटा होते जाएगा। तो अब हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो कॉर्ड अगर सेम लेंथ के हैं तो दे विल मेक, दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ना अगर सेंटर पे एंगल इक्वल बनाया है तो आर्क का लेंथ भी इक्वल ही होगा, पक्की बात, ठीक है, बिकॉज आर्क का लेंथ और सेंटर पे जो एंगल बनता है उसमें डायरेक्ट कोरिलेशन है, राइट। ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट, ये भी हमने बात कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट जो थियरम है हमारा ये इसी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। इट सेज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क में ध्यान में रखना कि आप माइनर आर्क की बात कर रहे हो कि मेजर आर्क की बात कर रहे हो। सो अगर आप माइनर आर्क की बात कर रहे हो, ये एग्जाम्पल में डायग्राम में माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, सो ये आपका माइनर आर्क है ए बी, ठीक है। तो फॉर दिस माइनर आर्क वॉट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। सो ये जो मेजर वाला आर्क बनेगा, राइट, दिस इज एवरीथिंग, राइट, ये जो पूरा है दिस विल बिकम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे, राइट, आप कोई भी एंगल बनाओगे थेटा तो सेंटर पे उसका डबल बनेगा, पक्की बात, ठीक है। एंड दिस थ्योरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ मेजर आर्क इज वेल, राइट, वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि मेजर आर्क के लिए भी एप्लीकेबल है कि मेजर आर्क अगर सेंटर पे एंगल मान लो 2 थेटा बना रहा है तो रिमेनिंग पार्ट, अब मेजर आर्क के लिए रिमेनिंग पार्ट विल बिकम द माइनर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क के लिए रिमेनिंग पार्ट, यू ऑलवेज हैव टू फोकस कि भाई ये रिमेनिंग पार्ट का हमारा मतलब क्या है। सो माइनर के लिए रिमेनिंग पार्ट विल बी मेजर आर्क और मेजर आर्क के लिए द रिमेनिंग पार्ट विल बी द माइनर आर्क, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया, राइट, क्यों सेंटर पे डबल ही बनेगा हमेशा। जस्ट सी दिस, आपका ओबी जो है वो रेडियस है और आपका ओसी जो है, राइट, वो भी रेडियस है, दोनों आपको रेडियस दिए हुए हैं, ठीक है। सो अगर ये दोनों रेडियस ही हैं आपके, इन दैट केस आई कैन से दैट कि ये जो आपका ट्राइंगल ओ सी बी बनेगा दैट इज गोइंग टू बी आइसोसेलस, राइट, दोनों आपके साइड सेम है अगर तो आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया। सो एंगल अपोजिट टू देम विल ऑल्सो बी द सेम। सो इफ दिस एंगल इज लेट से एक्स, देन दिस पर्टिकुलर एंगल, राइट, दिस एंगल विल ऑल्सो बी एक्स, ये दोनों एंगल आपके सेम ही आएंगे, दोनों एक्स ही होने वाले हैं, पक्की बात। अच्छा, अब ये एंगल आपके दोनों एक्स थे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, राइट, ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट द एक्सटीरियर एंगल ओ, राइट, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम एज द सम ऑफ द अदर टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स और द एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट टू इट। तो ओ से कौन सा एंगल एडजेसेंट नहीं है, सी और बी पे जो आपने एंगल बनाया वो एडजेसेंट नहीं है, सो ये जो एंगल आएगा दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स। सिमिलरली आपका ओ ए इज रेडियस, राइट, ओ ए आपका रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है आपका, ठीक है, ओ सी भी रेडियस है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ओ सी ए, ये भी तो आइसोसेलस आएगा बिकॉज दो साइड आपके सेम है। अब दो साइड सेम है तो एंगल्स अपोजिट टू देम विल ऑल्सो बी इक्वल, राइट, सो इफ दिस एंगल इज वाई देन दिस एंगल इज ऑल्सो वाई, राइट, ये दोनों एंगल आपके वाई आएंगे। एंड बाय द सेम लॉजिक, एक्सटीरियर एंगल वाला लॉजिक लगाएं तो ये जो एंगल बनेगा आपका, राइट, ध्यान से देखो, दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ आई। अब कितना एंगल बनाया था आपने पॉइंट सी के ऊपर, ध्यान से देखो, राइट, एंगल ए सी बी जो है आपका वो पूरा आ रहा है एक्स प्लस वाई और सेंटर पे आपका जो एंगल बना उसके ऊपर ध्यान दो, राइट, एंगल ए ओ बी के ऊपर ध्यान दो, वो कितना आ रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। सो अगर एंगल आपका ए सी बी मान लो थेटा था, थेटा इज नथिंग बट अ सिंबल, राइट, एक सिंबल है जो जनरली हम एंगल डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। सो एंगल ए ओ बी जो आएगा जो सेंटर पे बनेगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ थेटा, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड, राइट, बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, आपका एंगल ए सी बी जो है वो 50 है तो थेटा कितना होगा इस केस में,
अभी हमने बात की कि भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो अगर सी पे एंगल 50 डिग्री बना था तो सेंटर पे जो एंगल है वो उसका डबल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री, राइट, 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा मेजर आर्क के लिए भी, राइट। अब ये जो एंगल 250 बन रहा है ये किसने बनाया, ध्यान से देखो, राइट, 250 एंगल किसने बनाया, तो 250 एंगल बनाया है मेजर आर्क एबी ने। ठीक है, मेजर आर्क एबी ने। अब मेजर आर्क एबी के लिए रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, माइनर में। ठीक है, सो इसका मतलब आपका सेंटर पे एंगल 250 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो बनेगा, राइट, वो उसका आधा होगा। सो दैट मींस इन दिस केस आपका जो एंगल थीटा है दैट विल बिकम हाफ ऑफ द एंगल दैट इज मेड एट द सेंटर। सो थीटा इन दिस केस इज गोइंग टू बी 125 डिग्री, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगेन दिस इज वेरी इजी टू प्रूव, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट। तो अब अगर मैंने ये मान लो सर्कल लिया, अब सीधी सी बात है कि भाई अगर आपका सेंटर पे एंगल मान लो, ठीक है, सेंटर पे एंगल मान लो लेट्स से 2 थीटा बनाया आपने, तो भाई सीधी सी बात है अब यहाँ जो भी एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट पे वो इसका आधा होगा ना, राइट, तो ये एंगल थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ भी जो एंगल बनेगा ये भी तो इसका आधा ही होगा, राइट, सो ये भी 2 थीटा का आधा, दैट इज थीटा ही आने वाला है, पक्की बात। और अगर ये एंगल आप इधर भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा ओनली, राइट। सो आप कोई भी आर्क की बात कर रहे हो तो वो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा दे आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा वो एंगल आपके इक्वल ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द फोर पॉइंट्स बेसिकली आर कॉनसाइक्लिक, इन अदर वर्ड्स दे लाई ऑन द सेम सर्कल। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि भाई आपने, राइट, मान लो लेट्स से ये दो पॉइंट है आपके, ठीक है, अगेन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो मैं डायग्राम शायद इतना अच्छा ना बना पाऊं, और हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपने मान लो यहाँ एक एंगल बनाया, ठीक है, एंड ये जो एंगल आपका बनाया थीटा उतना ही, राइट, उतना ही एंगल आपने किसी और पॉइंट पे भी बनाया, ठीक है, सेम एंगल बनाया, इन दैट केस ये जो चार पॉइंट होंगे आपके, राइट, ये मान लो पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल, बिकॉज एक सर्कल में ही सेम आपके एंगल बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये जो सारे पॉइंट हैं ये इस प्रकार से एक सर्कल के ऊपर लाए करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरी ड्रॉइंग बहुत ग्रेट नहीं है, बट अगेन आप समझ गए होंगे कि ऑल दीज फोर पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन इससे आपको एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। So, यहां पे क्या बोला है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। सो पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे वर्टाइसेस सर्कमफेरेंस के ऊपर बिलोंग करते हो। ठीक है, अगेन एज अ स्क्वायर या आपका ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम होना कुछ भी जरूरी नहीं है, कोई भी चार पॉइंट ले लो, राइट। तो मान लो मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, मान लो ये चार पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम बनेगा अब, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। इन अदर वर्ड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। सो इन दिस केस एंगल ए प्लस एंगल सी जो आएगा वो आपका 180 डिग्री आएगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो भी आपका 180 डिग्री होगा। बोथ ऑफ दीज पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री, राइट। लेट्स सी अ सिंपल प्रूफ कैसे आया ये, राइट, हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं, सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ पे, राइट, मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्क बी डी, राइट, बी डी आर्क की बात करें, माइनर आर्क बी डी। सो माइनर आर्क बी डी ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो बनाया है आपका एक्स। तो इसका मतलब है जो आपका पॉइंट ए पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एक्स बाय टू, राइट। वी जस्ट सॉ द थ्योरम कि भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
अच्छा, ये जो एंगल वाई बनाया है राइट, ये किसने बनाया है? मेजर आर्क बीटी ने, ठीक है, मेजर आर्क बीटी ने। तो मेजर आर्क ने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया है वो वाई है। सो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर जो एंगल बनेगा राइट ना, फॉर मेजर आर्क द रिमेनिंग पार्ट विल बिकम द माइनर आर्क। सो माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी हाफ ऑफ व्हाट यू मेड एट द सेंटर। सेंटर पे आपने वाई बनाया था तो ये जो एंगल बनेगा आपका दैट इज गोइंग टू बी वाई बाई टू, ठीक है, फनी वॉच। सो दैट एंगल इज गोइंग टू बी वाई बाई टू। अब ध्यान से देखो, सेंटर पे जो आपका एंगल बना है राइट एक्स और वाई, तो ये एक्स प्लस वाई का जो सम आ रहा है, ठीक है, एक्स प्लस वाई का जो सम आ रहा है ये तो 360 होगा ना, पक्की बात, ठीक है, बिकॉज पूरा सर्कल कवर कर रहे हो आप राइट। सो अगर एक्स प्लस वाई आपका 360 डिग्री आ रहा है, सो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू का जो सम है वो भी तो 180 डिग्री हो जाएगा राइट, दैट विल बिकम हाफ। एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू विल बिकम हाफ ऑफ 360, दैट इज 180। तो हमने प्रूफ कर दिया एक्स बाई टू वॉज नथिंग बट एंगल ए एंड वाई बाई टू वॉज नथिंग बट एंगल बी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है आपका वो 180 डिग्री आ गया। अब क्वाड्रिलैटरल के अंदर चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। सो ए प्लस बी का ए प्लस सी का सम अगर आपका 180 डिग्री आ गया तो जो दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है बी प्लस डी उसका जो सम है उसको भी तो 180 डिग्री होना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो जाके आपका सम 360 डिग्री आने वाला है राइट। तो हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री राइट। अगला जो थियोरम है वो इसका कॉन्वर्स है। यहाँ पे अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ द सम राइट ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 राइट, अगर अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो मान लो अगर 180 डिग्री आ रहा है तो जो आपका क्वाड्रिलैटरल है वो डेफिनेटली साइक्लिक होगा राइट। अगेन वी जस्ट सॉ कि ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हैविंग स्टडीड ऑल ऑफ दीज थियरम्स हाउ डू वी अप्लाई देम टू रियल लाइफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो इन दिस केस वी आर गिवन दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिखे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अपोजिट एंगल पक्का सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल, ये अपने को दे दिया है, ए सी और बी डी डायगोनल है। एंगल डी बी सी इज गिवन टू यू राइट, ये एंगल आपको दे दिया है डी बी सी, ये है आपका 55 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें दे दिया है बी ए सी राइट, बी ए सी दे दिया है अपने को, ये जो एंगल है आपका ये आ रहा है आपका 45 डिग्री, ठीक है। हमें पूछा है वी नीड टू फाइंड एंगल बी सी डी राइट, ये पूरा एंगल अपने को निकालना है, एंगल बी सी डी कितना होगा, ठीक है। इजी टू प्रूव इन माई ओपिनियन राइट। अगेन आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे राइट दे आर गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री। अब ध्यान से देखो ये जो एंगल 55 डिग्री है ये किसने बनाया राइट, एंगल 55 डिग्री जो है वो किसने बनाया? तो ये जो 55 डिग्री है ये तो माइनर आर्क सी डी ने बनाया ना राइट, ध्यान से देखो राइट, ये जो एंगल बन रहा है 55 डिग्री का ये तो माइनर आर्क सी डी बना रहा है। तो इसका मतलब माइनर आर्क सी डी हर जगह 55 डिग्री बनाएगा राइट, इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री था तो ये जो एंगल ए पे बनता राइट इधर, ये भी तो आपका माइनर आर्क सी डी ने ही बनाया, तो ये जो एंगल है आपका ये भी 55 डिग्री होना चाहिए, पक्की बात, ठीक है। तो पूरा एंगल ये कितना आ जा रहा है, पूरा अगर आप एंगल ए की बात करो सो दैट कम्स आउट टू बी 55 प्लस 45 दैट इज 100 डिग्री राइट, एंगल ए आपका आ गया 100 डिग्री। सो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अभी देखा हमने अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी, सो एंगल बी सी डी बेसिकली एंगल सी, सो दैट हैज टू बी 80 डिग्री बिकॉज ए एंड सी मस्ट बी सप्लीमेंट्री राइट। सो आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखते हैं, लेट्स सी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो कॉर्ड ई डी इज पैरेलल टू डायामीटर ए बी ऑफ द सर्कल, इफ एंगल बी सी ई इज 75 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी ई बी राइट। अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दिस कंबाइंस क्वाइट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स राइट एंड राइट, जस्ट पे अटेंशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस राइट ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
अच्छा, बट व्हाट इफ इट्स अ डायमीटर, राइट? मान लो आपने डायमीटर ले लिया, तो अब एंगल ए ओ बी, राइट, यहां भी तो वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। अब एंगल ए ओ बी कितना आ रहा है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो तो 180 डिग्री आ रहा है। सो रिमेनिंग पार्ट पे, अब यहाँ कहीं भी आप जो भी एंगल बनाओगे, दैट हैज टू बी हाफ ऑफ दिस, मतलब ये हमेशा 90 डिग्री आएगा, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। रिमेंबर दैट द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर कहीं भी एंगल, राइट, आप यहाँ, राइट, इस तरफ जहां मन करे वहां एंगल बना लो, ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है? नाउ लेट्स सी हाउ इट रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट ईडी इज पैरेलल, राइट, टू ए बी, डायमीटर है ए बी। सो दैट मीन्स अगर ए बी आपका डायमीटर है, सो ये जो आप ए सी से कनेक्ट करते, राइट, ये पूरा जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए था, ठीक है? बिकॉज ए सी बी इज एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। अब बी सी ई जो आपको दिया हुआ है, बी सी ई ये वाला एंगल जो है आपको, ये दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए था। इसका मतलब है ये जो एंगल आएगा आपका, एंगल ए सी ई, दिस हैज टू बी 15 डिग्री, ठीक है? दिस हैज टू बी 15 डिग्रीज। अब ध्यान से देखिए कि ये एंगल ए सी ई जो बन रहा है, ये बनाया किसने? ये बनाया तो माइनर आर्क ए बी ने ना। तो माइनर आर्क ए बी हर जगह पे इतना ही एंगल बनाएगा, राइट? तो अगर हम माइनर आर्क ए बी, राइट, इस वाले एंगल की बात करते जो पॉइंट बी पे बन रहा है, राइट, ये भी जो आपका एंगल आएगा, ये भी आपका 15 डिग्री ही आने वाला था, ठीक है? दिस एंगल इज गोइंग टू बी 15 डिग्री ओनली। नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल डी ई बी, राइट, हमें ये एंगल निकालना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। अब सीधी सी बात है, ए बी आपको दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू ई डी। अब ये दोनों साइड्स आपके पैरेलल हैं, ठीक है? तो एंगल ए बी ई और एंगल डी ई बी विल बी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? सो ये आपके इक्वल आएंगे पक्का। इसका मतलब है दिस एंगल विल ऑल्सो बी 15 डिग्री, राइट? सो एज यू कैन सी, वी कंबाइंड क्वाइट अ फ्यू कॉन्सेप्ट इन दिस केस, राइट? लेट्स सी वन लास्ट क्वेश्चन एंड विद दैट विल रैप अप दिस चैप्टर। यहाँ पे हमें बोला है कि एंगल ए ओ डी जो है, ठीक है, एंगल ए ओ बी होना चाहिए था ये, राइट? लेट्स मेक दैट स्मॉल करेक्शन। एंगल ए ओ बी इज 70 डिग्री, ठीक है? दिस इज 70 डिग्री। वी नीड टू फाइंड एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी। नाउ सुनो मेरी बात, अगर ए ओ बी जो है आपका वो 70 डिग्री है, सो वॉट वुड बी दिस एंगल, ये जो एंगल आपका इधर बनेगा, राइट, ये कितना होगा? दिस विल बी 35 डिग्री, ठीक है? दिस एंगल इज गोइंग टू बी 35 डिग्री, बिकॉज सेंटर पे जो एंगल बनता है, दैट इज ऑलवेज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट। अब लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट सी। अब एंगल ए सी बी आपका 35 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी जो आएगा आपका, दैट विल बिकम 180 माइनस 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मस्ट बी सप्लीमेंट्री, राइट? सो दिस आंसर विल बिकम 145। सो एंगल ए डी बी की जो हम बात कर रहे हैं, दिस विल बी 145। काफी सारे बच्चों को मैंने ये गड़बड़ करते हुए देखा है, दैट दे विल टेक एंगल ए डी बी एज 110, राइट? क्योंकि ए ओ बी था, राइट, 70 था, तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। बट ए ओ बी डी थोड़ी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, राइट? अ यूनिक सर्कल इज नॉट पासिंग थ्रू दोस पॉइंट, तो वहां पे आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? सो दैट इज द मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर मेथड, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है? एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। बाय बाय।